18,000 का लेवल सर आज दिख गया स्पॉट पे भी और फ्यूचर पे भी 18,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सर अगले कुछ दिन कैसे रहेंगे जरा बताइएगा प्लीज। आपको कहा गुड मॉर्निंग। 500 जाएगा, अभी तो मार्केट में जो ETF सेलिंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और मुझे कोई दो राय नहीं। द मार्केट्स ब्रेथ इज पॉजिटिव, लुक एट टेक्नोलॉजी, लुक एट कंजम्पशन, बैंक्स में जो सेलिंग थी वो भी ऑलमोस्ट ओवर है। तो दिस इज द टाइम टू बाय गुड फाइनेंशियल, गुड मार्केट ब्रेथ एंड आई एम वेरी श्योर 18,500 इज कमिंग बिफोर द बजट। उससे भी ज्यादा आपको जो उस दिन कॉन्फिडेंस दिया था, देखिए 18,150 कल, 18,090 आज जाएगा 18,150 और बैंक निफ्टी 42,800 जरूर जाएगा मेरे हिसाब से। कल 42,800 होके आ गया, आज इसमें फाइनेंशियल भी लीड। तो अब आपके लिए तीन पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर बताइए, उसी की वेट कर रहा हूं सर बताइए। तो देखिए अशोक लीलैंड, मैं पहले भी कह चुका हूं अशोक लीलैंड के नंबर्स इस क्वार्टर में सबसे अच्छे आएंगे। टाटा मोटर में आप ग्रोथ देख रहे हो बिकॉज ऑफ चाइना, अशोक लीलैंड विल सरपास ऑल नंबर्स ऑन द कमर्शियल व्हीकल, ऑन द बस मार्केट एंड ऑन देयर ICE। अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव, 47 रुपए में लीजिए, 43.50 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट। बजाज फिनसर मस्ट हैव बिकॉज इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑन ऑल फ्रंट्स, होल्डिंग कंपनी और बजाज फाइनेंस, लेंडिंग में बेस्ट RE आएगा, साथ में जो उसकी इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट इज डूइंग ब्रिलियंटली। 1375-80 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1335-1500 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट DLF मेरे को लगता है जिस तरह से उनकी रेंटल वैल्यूज और REIT जाएगा, द कमर्शियल स्टेट इज सेलिंग, DLF के इस क्वार्टर के नंबर बहुत रबस्ट होंगे। इस 372-73 में लीजिए, 363 रुपए का स्टॉप लॉस, 390 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट GMR, डोंट इग्नोर द एयरपोर्ट, इट इज सीइंग द मोस्ट रोबस्ट बिजनेस। और जिस तरह से चाइना रीओपनिंग है इंडिया में, तो आपको मान नहीं सकते ट्रैफिक और एरोसिटी में क्या रोबाउंड है। 43.5 का टारगेट, 39 का स्टॉप लॉस।